अम्मा, सुबह से काम कर करके कमर में दर्द शुरू हो गई है। आप तो ऐसी तैयारियां करवा रही हैं जैसे किसी वजीर आजम ने आना हो। अच्छा मेरी बात सुने, सब कुछ बन गया है, पुलाव, कोरमा, भिंडी और आपने क्या कहा था, कबाब, वो भी बना दिए, सलाद भी बना दिए। इसकी बारी थी लेकिन मैंने बना दिया। इसकी बारी थी। मुझे सिर्फ केक बनाना आता है जो मैंने बहुत अच्छा बनाया है, पाइन एप्पल केक। बेटा तुम लोग नहीं समझोगे, बड़े घर से लोग आ रहे हैं तो इंतजामात भी तो उसी हिसाब से होंगे ना। बेटियों के मामला बहुत नाजुक होते हैं, एहतियात करनी पड़ती है। वैसे फोन पे बात करते हुए ना मुझे अंदाजा हो गया था कि रमला जी किस लिए आना चाहती हैं। पहले तो वो इसी मोहल्ले में रहती थी, फिर उनकी शादी बड़े घर में हो गई तो जिंदगी में मसरूफ हो गई। शोहर की वफात के बाद उन्होंने बेटे की अकेले परवरिश की है। और तो और आपने आज अपने जहेज के बर्तन भी निकाल लिए हैं, वो बर्तन जिन्हें हमें हाथ लगाने की भी इजाजत नहीं थी। बेटा ये सब मैं तुम्हारे लिए ही तो कर रही हूँ। अच्छा छोड़े ना, बात सुने, इतना बड़ा घर है उनका, गाड़ियां, बिजनेस, हर चीज है, तो हमारे घर से रिश्ता क्यों जोड़ना चाहते हैं? मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही। बच्चियों के रिश्तों के मामलात ना बहुत नाजुक होते हैं, ये तुम कल की बच्चियां क्या समझोगी। खैर आप वैसे बहुत तेज, चार बातें भी सुना लेती हैं और सारे काम भी निकलवा लेती हैं। मेरे डैड के अकॉर्डिंग आप बिल्कुल सियासतदानों जैसी हैं। वक्त कम रह गया है, जाके लेपा पोती कर लो ताकि नया नक्श वाजिया हो जाए। एक्सक्यूज मी, वी आर नेचुरल ब्यूटीज मॉम, व्हाट डू यू मीन? जा रहे हैं, और ये लेपा पोती नहीं होती अम्मा, मेकअप कहते हैं। पता है मुझे बेटा, इससे पहले कि वो आ जाए जाओ शाबाश। ठीक है आप फिर कर लेंगे ना? हाँ हाँ बेफिक्र हो जाओ, मैं कर लूंगी। कल कमर में बहुत दर्द है भाई। अलीजे, अलीजे, हाँ क्या कर रही हो, इतनी देर हो गई, तुम सो रही? उठो। हो गई हो तुम तैयार? हाँ, कैसी लग रही हो? बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू, चलो उठो। अच्छा मुझे बताओ, ये पहनना जरूरी है क्या? इतनी प्यारी लग रही हो, क्या मसला है पता है तुम्हारे साथ? चलो उठो। सुबह से काम कर रही हूँ मैं किचन में, खाना बना बना के थक गई हूँ मैं। बेटा मैंने केक बनाया है। एहसान नहीं किया तुम तो तुम्हारे रिश्ते वाले आ रहे हो, फिर मेरे वाले आ रहे हैं। भाई आज तो आपने बहुत ही तकल्लुफ कर दिया, आप लोगों ने तो कुछ खाया ही नहीं। आंटी मैंने पेट भर कर खाया है। अच्छा तो फिर ये बताएं कि सबसे ज्यादा आपको क्या चीज पसंद आई है। मुझे ना वो जो पाइनएप्पल केक था ना वो बहुत पसंद आया। पाइनएप्पल केक का बच्चा, सारा दिन इतना कुछ बना बना के धुआं धुआं हो गई हूँ और ऊपर से कह रहा है कि पाइनएप्पल केक अच्छा है। वाकई में वो मैंने बनाया था। अलीजे बेटा आजकल आप क्या पढ़ रहे हो? जी बॉटनी में एमफिल कर रही हूँ, रिसर्च वर्क जा रही है। माशाल्लाह दैट्स ग्रेट। खाने पकाने में कोई दिलचस्पी है? जी आज सारा खाना मैंने ही बनाया है सवाए पाइनएप्पल केक के। अच्छा अच्छा कभी इटालियन या मैक्सिकन रेसिपीज ट्राई की हैं? जी नहीं आंटी, मुझे इटालियन और मैक्सिकन खाने पसंद नहीं है, पाइनएप्पल केक तो बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे देसी पाकिस्तानी खाने पसंद है। ये बताएं कि आपकी और क्या दिलचस्पियां हैं? सोशल गैदरिंग्स वगैरह? सोशल गैदरिंग्स नहीं, सोशल गैदरिंग से मुझे एलर्जी है, मुझे ज़्यादा भीड़ पसंद नहीं है। अब तन्हाई अच्छी लगती है, पौधे, गार्डनिंग मेरी फेवरेट हॉबी है। मूवीज देखते हो, कोई पसंद, कोई फेवरेट? जी शाहरुख खान की रोमांटिक मूवीज मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और नदीम और शबनम की पुरानी मूवीज भी बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन अब सिनेमाज में वो पुरानी मूवीज लगती ही नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रही हो। वैसे शेयर को ना इंग्लिश मूवीज बहुत पसंद है, अभी पिछले दिनों देख कर आए हो?
हॉलीवुड मूवीज उसकी फेवरेट होती हैं और म्यूजिक भी उसको बहुत पसंद है। आपको कौन सा पसंद है? म्यूजिक पुराने गाने पसंद है, इब्राहिम हक, फाखिर, ये सारे गाने पसंद है। वैसे बेटा आजकल की लड़कियां तो बहुत एडवांस होती हैं, ब्रांड कॉन्शियस और सोशल मीडिया लाइफ से इंस्पायर्ड। नहीं आंटी, मुझे ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, बस ज़रूरत की हद तक अच्छी लगती हैं। और ये मेकअप, ज्वेलरी, ये सब भी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये तो मुझे खौला ने कहा ये पहनूँ, ये ना पहनूँ, ये करो, तो बस मुझे सादा रहना अच्छा लगता है। आपको पता है आज आपसे मिलकर मुझे क्या महसूस हो रहा है? मुझे लग रहा है जैसे मैं आज अपने आप से मिल रही हूं, मेरा वो अपना आप जो मैं 20 साल पहले कहीं बहुत पीछे छोड़ आई थी उन गलियों में। शायद भाई जान रहा, मुझे तुम्हारी इली से अपने बेटे शेयर के लिए बहुत पसंद आई है। बेटा आपको अगर शेयर से कुछ पूछना है, कोई बात करनी हो तो कर लो। नहीं, मुझे इनसे कोई बात नहीं करनी। खोला बेटा जी, जाके चाय ले आओ ना, साथ में मीठा भी लाना। ओके। अब अगर पाइनएप्पल केक हो तो जरूर लेकर आना। ओके जी। खोला 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 खोला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। क्या तुम आते जाते ना मुझे डिप्रेशन ही देती रहती हो। बैठो इधर, बताओ क्या हुआ है। वो शरिया अफरीदी की प्रोफाइल चेक करी थी, वो गलती से उसकी प्रोफाइल पिक्चर पे हार्ट रिएक्ट हो गया है। इतने से बार? एक सेकंड, वो उसको स्टॉक कर रही थी। हाँ, नहीं नहीं, बस 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 बस, अब ज्यादा एक्टिंग मत करो। नहीं नहीं नहीं, वो मैं सिर्फ ये पता लगाना चाह रही थी कि वो कैसा है। और इतनी बड़ी गलती हो गई है और तुम हंसो तो मत, मैं बहुत ऑकवर्ड फील कर रही हूँ। अच्छा ओके ओके, हम सीरियस, चलो बताओ कैसा लगा, कैसा है वो? इंग्लिश लिटरेचर पसंद है उसे, वो भी जैन आइंस्टीन के नॉवेल्स। और खाने में मैक्सिकन इटालियन पसंद है शायद, क्योंकि हर चेक इन किसी इटालियन रेस्टोरेंट की है। और क्या? और उसकी लास्ट बर्थडे पार्टी में उसने पाइनएप्पल केक काटा है। क्या? पाइनएप्पल केक? See, I told you, he love पाइनएप्पल केक। ऑकवर्ड मत करो मुझे। यार इसमें ऑकवर्ड वाली क्या बात है? अच्छा इधर आओ, आओ ना जरा, मुझे उनका यूजर नेम बताओ, मैं भी स्टॉप करूंगी। आओ ना, हम दोनों स्टॉप करते हैं। बताओ जरा उसका यूजर नेम। मैं नहीं बताऊंगी। शहरयार अफरीदी 01। शहरयार अफरीदी, ये वाला? चलो जरा देखिए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। अब मैंने तो आपको ऑफर दी थी कि मैं आपको घर से पिक कर लेता हूँ, आप ये? मुझे ऐसी ऑफर्स पसंद नहीं है। ओके, आपकी मर्जी, अंदर चलें? जी चलें। प्लीज। क्या हम यूं ही खामोश बैठे रहेंगे या कोई बात भी करेंगे? आपका शौक था कहीं बाहर मिलने का, तभी तो आपने मेरे बोले वाले अम्मा अब्बा को राजी कर लिया।
वो एक्चुअली क्रेडिट जो है ना वो डॉक्टर फौला को जाता है। जानती हूँ, सब आपके साथ मिले हुए। मुझे लगता है आपने अभी तक मुझे माफ नहीं किया। आपने मेरे कैक्टस को नुकसान पहुंचाया था और मैं अपने पौधों का नुकसान किसी भी सूरत में माफ नहीं करती हूँ। और आपके प्रोफेसर साहब बहुत दफा मेरे गुलाब भी तोड़ चुके हैं, उनको सजा भी मिल चुकी है। हाँ वो सब ठीक है, लेकिन अजाले के तौर पे मैंने कैक्टस आपके घर भेजे भी तो थे। जी जी जी, मिल चुके हैं। सोच रहा था कि शायद आपके दिल में रहम आ जाए और आप मुझे माफ कर दें। आप सिर्फ ये पौधों से ही मोहब्बत है? क्या मतलब है आपकी इस बात का? कोई मतलब नहीं, मैं तो बस यूं ही जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा था। एक बात पूछूं? जी पूछिए। क्या आप भी लोगों की तरह सोशल मीडिया को स्टॉक करती हैं या फिर ये एजाज सिर्फ मुझे ही हासिल है? वो खोला से हो गया होगा। खोला से? और देखे ना, मैं खुशी के मारे पूरी रात नहीं सो सका कि आपने मेरी प्रोफाइल पिक्चर पे हार्ट का रिएक्ट दिया। आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? थैंक यू। प्लीज आप बताएं आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे। भला ये कैसा सवाल हुआ, एक लड़का एक लड़की से क्यों मिलता है? मुझे क्या पता, मैं लड़कों से थोड़ी मिलती हूँ। हाँ आपका पता नहीं, आप पता नहीं किन किन लड़कियों से मिलते होंगे। एक मिनट, आप ये अंदाजा कैसे लगा सकते? वो सोशल मीडिया पे देखा था ना आपको, खोला ने सोशल मीडिया पे आपकी प्रोफाइल देखी थी, वहां से पता चला कि पता नहीं किन किन लड़कियों के साथ आपकी पिक्चर नजर आई उसे। लेट मी क्लियर वन थिंग, मेरा ना आज तक किसी से कोई अफेयर नहीं रहा है। अपनी जिंदगी के 25 साल सिर्फ और सिर्फ मैंने अपने करियर को अहमियत दी और उसी के लिए मेहनत की। और रही बात उन लड़कियों की, तो वो सिर्फ मेरी बैचमेट्स हैं, कुछ बहुत अच्छी दोस्त हैं और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं नहीं चाहता कि आप कुछ भी उल्टा सीधा सोचें। आपको एक बात बतानी थी, वो 2 साल पहले मेरी मंगनी हुई थी और टूट गई। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है लीजे, सिर्फ और सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि आप मेरे साथ हैं। मगर मुझे ये सब पसंद नहीं है, यूं मिलना भी, मगर ये सब कुछ मैं अपनी अम्मा की वजह से कर रही हूँ। मेरी अम्मा मुझे लेके बहुत फिक्रमंद रहती, बहुत परेशान रहती, और अब्बा का भी ब्लड प्रेशर हाई रहता। खानदान वालों की बातें मेरी अम्मा को बहुत परेशान करती। हमारे घर में सबसे जज्बाती फर्द है, यहाँ तक कि वो खौरा अब्बा की बातों को भी दिल पे ले लेती है। मेरा रिश्ता टूट जाने के बाद मेरी अम्मा का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, कहीं से मेरा रिश्ता तय हो जाए। आज मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपनी अम्मा की वजह से आई। मेरी माँ ने मुझे मेरे हर सच को कबूल किया। अभी पिछले दिनों चीनी का डिनर सेट, उनके जहेज का, उन्होंने मुझे उठाकर दे दिया और गलती से अब्बा से एक प्लेट टूट गई। दो दिन तक अम्मा रोती रही। बर्तनों और तवक्कुआत के टूटने में बहुत फर्क होता है, और मैं नहीं चाहती कि इस रिश्ते में मेरी माँ तवक्कुआत और उम्मीदें बांध ले।
अलीजे, मैंने आपकी बात बहुत गौर से सुनी है। तो अलीजे तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारी वालदा की फिक्र और परेशानी की जिम्मेदारी अब से मेरी, मैं हैंडल कर लूंगा, आप मुझ पर छोड़ दीजिए। हम मेरे सास हो गए शहरयार अफरीदी, हमारे पास जज्बात के अलावा कुछ नहीं होता। आंटी कह रही थी कि मुझ में उन्हें अपना आप दिखता है और कई साल बाद वो अपने आप से मिली। मैं तब से सोच रही हूँ कि जिस माहौल में आंटी गुम हो गई हैं, हाँ मेरा फ्यूचर क्या होगा, सोचिएगा जरूर, फिर फैसला कीजिएगा। अलीजे, आपका फेवरेट कलर क्या है? आई मीन, मैं सोच रहा था कि आप किस कलर के ब्राइडल ड्रेस में खूबसूरत लगेंगी। जूस पीजिए। आप अगर बुरा ना माने तो मैं आपको अब घर ड्रॉप कर सकती हूँ। नहीं नहीं, मैं टैक्सी पे चली जाऊंगी। थैंक यू। आर यू श्योर? ख्याल रखिएगा। अलीजे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम? अब मैं यहाँ किसी काम से आई थी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो इस रेस्टोरेंट आ रहा था, बट आई जस्ट सॉ यू। अब क्या सीन है, घर जा रही हो? कम, आई ड्रॉप यू, आ जाओ। नहीं, आ जाओ, आई ड्रॉप यू, नो वरीज, कम। मेरी बात समझने की कोशिश करो अलीजे, एक तुम ही हो जो इस रिश्ते से इनकार कर सकती हो। अभी भी वक्त है, कह दो कि तुम्हें शादी नहीं मंजूर। हम 2 साल से एक रिश्ते में थे यार। अच्छा, क्यों इनकार कर दे? ये बात आपको अभी याद आई है कि आप लोगों का 2 साल से रिश्ता तय था? एक लड़की के लिए 2 साल उसकी आधी उम्र के बराबर होते हैं, जिसमें वो ना जाने क्या क्या ख्वाब देख लेती है। और आपके रिश्ते के इनकार से अलीजे के सारे ख्वाब चकना शुरू हो। अब आप क्या लेने आया यहाँ? मेरे यकीन करो खाला, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मेरी इस फैसले में कोई हाँ नहीं है, सब अम्मी ने अपनी तरफ से किया है यार। इनफैक्ट मुझे तो यहाँ के सब पता चल रहा है। अच्छा, हम आपको इतने बेवकूफ लगते हैं? एक ही घर में रहते हो ना तुम सब। आपकी अम्मी ने मेरी बहन के जात को निशाना बनाया, उसको पागल और साइको साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी उन्होंने। अलीजे, मुझे प्लीज एक मौका दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। मम्मी को यहाँ लेकर आऊंगा, सब ठीक हो जाएगा। सिर्फ फैसला तुम्हें करना है। बोलो, साथ दोगी मेरा? खामोशी से बड़ा तो कोई जवाब नहीं होता, ये बात तो पता होगी आपको। खैर, आपके मामू का घर है, जब चाहें आए, जो खाना है खाएं पिए, जो दिल चाहे करें, हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। चलो अलीजे। Oh my God, Mom, देखे कितना खूबसूरत ड्रेस है यार। माशाल्लाह, इसका कलर, इसका काम। ठहरे जरा, अलीजे को दुपट्टा करवा के देखते हैं कि ये कलर इस पे कैसा लगता है। ओह, ये देखे। अच्छा, लो इधर लो। हाँ, बहुत अच्छा। इतना प्यारा लग रहा है। माशाल्लाह, 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 माशाल्लाह।
क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? अम्मा, मैं आपसे एक बार फिर पूछ रही हूँ, आपने आंटी को सब सच सच बता दिया है ना? देखिए, मैं नहीं चाहती कि इस रिश्ते की बुनियाद किसी भी झूठ पे रखी जाए। भाई अलीजे, बेटी ठीक कह रही है, बेटी के ससुराल का मसला है, हमें सारी बातें उनसे पहले ही क्लियर कर लेनी चाहिए। अब मेरा बात करना तो मुनासिब नहीं लगता, तुम ऐसा करो कि शहरयार की अम्मी को एतमाद में लेकर सारी बातें बता दो। हाँ, ये सही भी है मॉम, बेहतर है कि आप उन्हें पहले ही बता दें, झूठ की बुनियाद पर कब कोई रिश्ता टिकता है? और ये इतना बड़ा सच है, हम कब तक छुपा लेंगे उनसे? एक ना एक दिन तो उनको पता चल ही जाए। अब ये ना हो कि अलीजे की आगे आने वाली, अल्लाह ना करे, तुम लोगों के कुछ भी कहने से पहले ही मैंने उन्हें सब सच सच बता दिया है। पक्का? चलेंगे। अच्छा, अब तो ये ट्राई कर लो ना, इधर देखो, बहुत 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 प्यारी लगोगी तुम, माशाल्लाह। भाई हमारे वक्तों में तो चीजें बहुत ही पायदार हुआ करती थी, अब इस कढ़ाई को ही देख लो, कितनी पायदार है, अब तक देखो रंग तक खराब नहीं हुआ। इसका डिजाइन भी बहुत अच्छा है और कपड़े का रंग भी नहीं खराब हुआ, बहुत खूबसूरत है अम्मा। किसका था ये? तुम्हारी नानी ने मुझे दिया था और अब ये मैं तुम्हें दूंगी। हाँ? क्या मतलब है, तुम ये पहनोगी? पागल तो नहीं हो गई हो? क्यों भाई, इसमें क्या बुराई है? यार मॉम, ये सब कुछ रिप्लेस हो चुका है, ये सब आउट ऑफ फैशन है। क्या मतलब, इतने नए डिजाइन्स आ चुके, इतने डिजाइनर्स हैं, पता नहीं आप कौन से जमाने में रहती हैं। हाँ बेटा, ये सब चीजें ना आउट फैशन हो गई हैं, मार्केटें और बाजार भरे पड़े हैं नए डिजाइन से, सब कुछ नया मिल जाता है। मगर क्या तुम मोहब्बत को भी रिप्लेस कर सकती हो? क्या कोई ऐसी मार्केट पता है तुम्हें जहां मोहब्बत मिलती हो? अगर पता चल जाए ना तो इस माँ को भी वहां ले जाना, पाव भर मोहब्बत खरीद लूंगी तुम जैसी औलाद के लिए और फिर वही तुम्हें जहेज में दूंगी मैं। अम्मा, अम्मा, अच्छा देखा, इतने प्यार और खलूस से दिखा रही थी, तुम्हें मसला क्या है, क्यों बहस करती हो माँ से? यार हालत तो देखो इन कपड़ों की, गल चुके हैं बिल्कुल। और तुम ये पहनोगी? हाँ पहनने वाले, मैं पहनूंगी। मैं नहीं पहनने दूंगी तुम, पहन दू। चलो चलें। होला, मेरा पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अच्छा रिलैक्स, लिसन, हर लड़की की जिंदगी में ये दिन आता है, सबको एक ना एक दिन शादी करनी ही पड़ती है। आई नो योर फीलिंग, भला एक घर जिसमें सारी जिंदगी गुजारी हो, अपने खूनी रिश्तों के साथ इतनी यादें हो, उसको छोड़ना आसान थोड़ी होता है। नहीं खोला, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ अनहोनी होने वाली है, मेरा दिल बहुत बेचैन। उफ यार बस कर दो, एक तो तुम इतनी प्यारी लग रही हो, ऊपर से ये तुम रोने बैठ गई ना तो सारा मेकअप बर्बाद हो जाएगा, बाहर सब लोग दुल्हन का असल चेहरा देखकर डरकर भाग जाएंगे। एक तो मैं यार इतनी टेंशन में हूं और तुम यार कॉमेडी सोच रही हो। अच्छा ना, तुम रोगी तो मुझे भी रोना आ जाएगा। बहुत प्यारी लग रही है, चलो 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 चलो।
माशाल्लाह हमारी बहू तो बहुत प्यारी लग रही है, शेरी से ज्यादा रंग रूप चढ़ा इस पे। जी मेरी बेटी तो है ही प्यारी, मगर आज से ये आपकी बेटी है। बिल्कुल, इसमें कुछ शक वाली बात? आप क्यों उदास हो गए हैं? बेटियां तो होती पराया धन है। ऐसे मौकों पे बंदा उदास हो ही जाता है, पर तुम्हें क्या एहसास है? तुम तो पत्थर दिल हो। क्या आप बेटी की शादी के मौके पे मुझे पत्थर दिल कह रहे हैं? अब अल्लाह का वास्ता रोने ना बैठ जाना, बड़ा महंगा मेकअप हुआ है। हद करते हैं आप भी। कौन है? उसे मैंने पहली बार देखा है। कौन? अरे वो जो टेबल के साथ खड़ा हूँ। वो? हाँ। वो तो अमर भाई हैं, मेरी पप्पू के बेटे, अमेरिका से आए हैं। अम्मा ये अमर यहाँ क्या कर रहा है? बेटा मेरी बहन का बेटा है। मंगनी टूट गई तो क्या हुआ? रिश्ता तो खत्म नहीं हुआ। अम्मा मुझे बहुत बेचैनी हो गई। नहीं बेटा घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जहां रहो खुश रहो आबाद रहो। एक बात याद रखना, जिंदगी में कभी भी माँ बाप की जरूरत पड़े तो हमारे दिल और दरवाजे हमेशा खुले मिलेंगे बेटा। सारे जहान की खुशियां तुम्हें मिली, अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। मुलाकात नहीं होना तभी। अच्छा मैं इंट्रो करवाती हूँ ना आप दोनों का। हाँ बेटा रुखसती ले ले, देर हो रही है। जी मैम आप चले मैं आ रहा हूँ। श्योर फिर कभी। शहरयार बेटा मेरी बेटी का हमेशा ख्याल रखना, उसे खुश रखना। फिकर मत करें आंटी, मैं हमेशा इसे खुश रखूंगा। आप ये ना समझे कि हम बहू ब्याह के लेके जा रहे हैं, यहां से मेरी बेटी है और हमेशा रहेगी। अब ये आपके हवाले है, ये आपके घर की इज्जत है। हमें यकीन है कि जिंदगी भर आपका मान कभी नहीं टूटेगा। मुमानी ये ले। हाँ बेटा। अलीजे बेटा जिंदगी भर तुम इन पेड़ पौधों के लिए मुझसे लड़ती रही और आज इसी को भूल के जा रही हो। दर्द देने वालों को भी ये दुआएं देते
जैसे रेशम के धागे, ये रिश्ते ये नाते हैं रेशम के धागे। बेटा तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा अपना घर है। तुमने देखा तुम्हारे आने से कितना रोशन हो गया। और ये मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा, ये मेरी सास ने मुझे दिया था जब मैं इस घर में आई थी। ये हमारे बुजुर्गों की तरफ से चला आ रहा है। ये बहुत खूबसूरत है। है तो सही, पर जब तुम इसे पहनोगी ये और भी खूबसूरत हो जाएगा। थैंक यू सो मच। बेटा किसी भी चीज की जरूरत हो बिना झिझक कह देना, क्योंकि ये अब तुम्हारा अपना घर है। मालकन हो तुम इस घर की। ये लड़का पता नहीं कहाँ रह गया, मैं देखती हूँ उसको। यकीनन ना उसके दोस्तों ने कोई प्रोग्राम बना लिया होगा। तुम रेस्ट करो तब तक, हाँ मैं देख कर आती हूँ। परेशानी हो ना बच्चे। ये कहां गए? अलीजे शायद मॉम के पास हो। आप लोगों को बहुत मिस किया, आ जो नहीं सके ना आप लोग। मॉम चले ठीक है, मैं आपसे फिर दोबारा बात करती हूँ। ओके खुदा हाफिज। अलीजे कहां है? बेटा अपने कमरे में होगी। कमरे से तो मैं आ रहा हूँ, कमरे में नहीं है। कमरे में नहीं है, फिर कहाँ गई है? जगह रब परेशान मत हो, मैं देख लूंगी। यही होगी लाख तो चली गई है। मॉम। हाँ बेटा कुछ पता लगा? मिली किधर है? अरे पूरा घर ढूंढ लिया, पूरे घर में कहीं नहीं है, पता नहीं कहाँ है। घर में नहीं, कहाँ चली? बेटा कॉल करो, उसके घर कॉल करो, पूछो वहां पे। घर वालों को कॉल मिलाना मत। मॉम ये आपने क्या कर दिया यार? हुआ क्या है? शरियार भाई का फोन आया है, वो हम सबको अपने घर बुला रहे हैं। क्यों, खैरियत है ना? आपके होते हुए खैरियत हो सकती है? शरियार भाई का फोन आया था, वो कह रहे हैं कि अलीजे घर से कहीं चली गई है। क्या जी? चकोर सच सच बताओ, तुमने अलीजे के ससुराल वालों को सच बताया था कि नहीं? माँ अल्लाह का वास्ता प्लीज बताएं कि आपने रमला आंटी और शरियार भाई को बताया था। बेटा मैंने सोचा कि सब सच बता दूं, लेकिन मेरा दिल नहीं माना। आपको पता है क्यों? क्योंकि इतने दिनों से सब कुछ ठीक चल रहा था, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तो मुझे लगा कि मेरी अलीजे ठीक हो गई है। अब चलो, जल्दी चले, वो हमारा वेट करें, बेचारे कितने परेशान होंगे। चले। मेरी बेटी सब कुछ हो सकती है मगर बद किरदार नहीं हो सकती। उस पर इतनी बड़ी तोहमत मत लगाओ बेटा, मैं उसकी माँ हूं, मैं गवाही देती हूँ कि वो बद किरदार नहीं है। सारी गलती मेरी है, सिर्फ मेरी। मैंने आप लोगों से एक सच छुपाया है। यही ना कि वो अपने उस कजन अहमर में इंटरेस्टेड थी, दोनों का रिश्ता तय हो गया था। मेरे दोस्त ना हमेशा कहते थे ये जो मिडिल क्लास लड़कियां होती हैं, ये कैरेक्टर लेस होती है। स्टॉप इट यार, तो
तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि तुम एक लड़की के बारे में ऐसी बात करो, और वो भी जो तुम्हारी बीवी है। तुम भूल रहे हो कि जिस औरत ने तुम्हारी परवरिश की है वो भी एक मिडिल क्लास से ताल्लुक रखती है, और ये जिसके बलबूते के ऊपर सो कॉल्ड एलीट क्लास तुम्हें कबूल करती है ना, वो भी एक मिडिल क्लास माँ की परवरिश का नतीजा है। तो कहते थे कि तुम अपने डैड से बहुत मुख्तलिफ हो, लेकिन अफसोस तुम बिल्कुल अपने बाप जैसे हो। मुझे शर्म आती है तुम्हें अपना बेटा कहते हुए। शहरयार भाई, अलीसे और अहमद का रिश्ता तय हुआ था, 2 साल का ताल्लुक था उनका। वो हमेशा मुझसे कहती थी कि हमारी केमिस्ट्री मैच नहीं होती, सब पराया लगता है। फिर उसका रिश्ता ही टूट गया। रिश्ता टूटने के बाद भी उसने वावेला नहीं किया, क्योंकि मेरी बहन को तमाशा लगाना नहीं आता। अहमद की वापसी पर भी वो सिर्फ इसी बात से परेशान थी, क्योंकि वो बार बार एक ही बात लेकर हमारे घर आता था कि वो आपसे शादी से इनकार कर दे। पर आप जानते हैं कि अलीजे ने क्या कहा? अलीजे ने कहा मुझसे, खौला मुझे शहरयार अफरीदी अच्छे लगने लगे हैं, हमारी केमिस्ट्री मैच होने लगी है। उसने कहा कि मैं दिल तोड़ने वाले को तो माफ कर सकती हूँ, लेकिन कैक्टस तोड़ने वाले को माफ नहीं कर सकती। मगर उस रात शादी से पहले उसने मुझे कह दिया था कि उसने शहरयार अफरीदी के सारे कसूर माफ किए, और आप उसके बारे में मेरी अलीजे छोटी सी थी, मेरे बिस्तर से उतर के कहां से कहां पहुंच जाती थी। एक सुबह तो मैंने उसे किचन के फर्श पर सोया हुआ पाया, और जब वो थोड़ी सी बड़ी हुई तो फिर हमें पता चला कि उसे नींद में चलने की बीमारी है। फिर हमने बहुत एहतियात करनी शुरू कर दी। ये हौला तो अभी भी घर की खिड़की और दरवाजे बंद करके सोती है कि कहीं, और हमारी बेहतियाती की वजह से एक दफा ऐसा हुआ भी कि अलीजे रात के अंधेरे में चलते चलते घर से बाहर चली गई। वो रात हम तीनों के लिए कयामत से कम नहीं थी। हम तीनों नंगे पांव रात भर उसे ढूंढते रहे, और फिर वो पड़ोसियों की छत पर हमें मिली। आइडिया है कि वो कहां गई होगी? I'm sorry, ये सब इस तरह हुआ। आप प्लीज बैठे। मैं आपका इंतजार करते करते मुझे नींद आ गई थी, मैं सो गई। वैसे हम यहाँ कर क्या रहे थे? क्या मतलब क्या कर रहे? अरे भाई, हम दोनों यहाँ बैठ के बातें कर रहे थे, तुम्हारी आंख लग गई। आप शहरयार अंदर चले, काफी रात हो गई और ठंड भी बढ़ रही है ना, चले। हम यहाँ वैसे क्यों बैठे हुए थे? अरे भाई, बातें करने आए थे, तुम्हारी आंख लग गई तो मैंने तुम्हें तंग नहीं किया। अम्मा, अब्बा, होला सब ठीक है? क्या बात है, सब खैरियत है? अब हाँ, सब खैरियत है। वो बस ये मिस कर रहे थे तुम्हें, तो कॉल की, मैंने कहा जाए। मैंने बेटा, तुम मिस कर रहे थे? अभी तो आपने मुझे रुखसत किया है।
तुम ठीक हो ना बेटा? जी माँ, मैं ठीक हूँ। क्या हुआ है? नहीं, बस ऐसे ही तुम्हें देखने को दिल कर रहा था तो आ गए। खोला बेटा, बहन को कमरे मिले तो थक गई होगी ना। आओ चले हम कमरे, आ जाओ। जाओ बेटा। तुम लोग इस वक्त सब ये जो बेटियां होती हैं ना, इनके बड़े दुख होते हैं। ये दुनिया बहुत बुरी है, जीना मुश्किल कर देती है। तब से मेरी बेटी के लिए बहुत कुछ कहा गया। वो क्या कहते हैं, साइको, पागल, यहाँ तक के साया हो गया। ये खौला और ये प्रोफेसर साहब कहते हैं कि सारी गलती मेरी है। मुझे आप लोगों को पहले ही सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था, मगर रमला जी, आप तो जानती हैं ना, बल्कि आप ही समझ सकती हैं, क्योंकि इस छत के नीचे इस वक्त दो माएँ खड़ी हैं और माँ तो राज रखती है, ऐब छुपाती है, भरम रखती है। एक माँ दुनिया जितनी जालिम नहीं हो सकती, और माँ और दुनिया में तो फर्क होना चाहिए ना, फर्क होना चाहिए। I'm sorry uncle, I'm sorry auntie, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मैं खुद से नजरें नहीं मिला सकता हूं, हो सके तो माफ कर दीजिएगा मुझे। नहीं नहीं बेटा नहीं, औलाद की गलतियां माफ करनी तो माँ बाप का दर्द होता है। तो फिर बेटा, हम नहीं चाहते थे कि तुम्हारा ये दिन खराब हो। अच्छा, अब हमें इजाजत दो, हम चलते हैं। प्लीज मुझे माफ कर दे। अरे बेटा परेशान मत हो, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। आपको कोई फर्क नहीं पड़ा मेरी नींद में चलने की बीमारी से? तुमने सच कहा था अलीज़े, कि जिंदगी में ना ये रंग खुशबू यही नहीं बल्कि कांटों की भी बहुत जरूरत होती है, क्योंकि इससे हमारे अपना आप सुधारने में बहुत आसानी होती है। और याद है मैंने तुमसे कहा था कि मुझे तुम्हारे होने से फर्क पड़ता है। तुम्हारे वालदैन के पास तुम्हारे ख्याल रखने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ मेरी है, और वो मैं दिल और जान से निभाऊंगा, आई प्रॉमिस। मुझे हमेशा से यही खौफ रहता था कि अगर आपको पता चल गया तो भूल जाओ। खोला ना मुझे सब बता चुकी है कि तुम मुझे माफ कर चुकी हो। आपको खोला के बाद भी यकीन है क्या? 100%। मैं ना तुम्हारे लिए कैक्टस का एक पूरा गार्डन सजा दूं। वाकई? मजाक कर रही हूँ। अरे देखो, बातों बातों में तुम्हें ये तोहफा देना तो भूल ही गया। तुम्हारा गिफ्ट। थैंक यू, बहुत प्यारा।
अच्छा तो फिर बताएं कब बना के दे रहे हैं आप मुझे कार्ड? अरे बकवा दूंगा, बनवा दूंगा।